नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर की मशहूर कंपनी अल जाबर के बारे में। अल जाबर इंजीनियरिंग, ये कैसी कंपनी है, आज इसका पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कतर की मशहूर कंपनी अल जाबर के बारे में। अल जाबर बहुत अच्छी कंपनी है, अल जाबर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें 10,000 आदमी तक काम करता है। इसमें मेंटेनेंस का काम होता है, इलेक्ट्रिक का काम होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है ये कंपनी। ये बहुत बड़े बड़े कारमा जो है इलेक्ट्रिक का काम कराती है, उसका काम कराती है, बड़े बड़े डैम बनाती है, बड़े बड़े मतलब कि काम करती है। इसके पास बहुत सारे सामान होते हैं, इसके पास बहुत सारे काम होते हैं। मान लीजिए कि इसके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। इसमें एक बार चले जाएंगे इस कंपनी में तो आप जल्दी घर नहीं आएंगे। ये कंपनी में काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, एक प्रोजेक्ट पर चले जाएंगे तो 2 साल आराम से चला जाएगा, बड़ा बड़ा इसका प्रोजेक्ट होता है। तो ये अच्छी कंपनी है। ये इस कंपनी में कंपनी कहीं कहीं खाना देती है, खाने का 300 रुपये इसमें मिलता है, ठीक है। इस कंपनी में अच्छा कैंप मिलता है, बस की व्यवस्था भी इसकी बहुत अच्छी है। सुबह ड्यूटी है 7 बजे से, तो आप इस कंपनी में जा सकते हैं। इस कंपनी का मेंटेनेंस का काम भी चलता है। इस कंपनी में सबसे ज़्यादा बिल्डर की आवश्यकता होती है, ड्राइवर ज़्यादा लगते हैं इसमें। सबसे ज़्यादा ड्राइवर जाते हैं, बेल्डर जाते हैं, पाइप फिटर जाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन का काम कराती है, ये बड़े बड़े डैम बनाती है, बड़े बड़े पूरा बड़ा बड़ा काम करती है। मतलब कि बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें 10,000 से ऊपर ही आदमी काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी कंपनी है ये। रेपुटेटेड कंपनी है कतर की, इसमें जाने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी कंपनी है। इसमें सब कुछ अच्छा है। इसमें अगर इसका वांट आता है अगर आपके वहाँ, तो आप जाइए, अच्छी कंपनी है। तो अल जाबर इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में आपको जो बात, इस कंपनी में सैलरी अच्छा लगता है। इसमें कोई भी जॉब का सैलरी हेल्पर है तो 1,000 प्लस 300 लग जाएगा। उसके बाद से अगर टेक्नीशियन है तो 1,200 प्लस 300, 1,300 प्लस 300, 1,400 प्लस 300, जिस हिसाब से आपके नॉलेज है इस तरफ से सैलरी लगती है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको नॉलेज है 5 साल का, 7 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस है आपको, तो 1,500 प्लस 300 भी लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कंपनी में सैलरी लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सैलरी भी अच्छा लगता है। इसका वांट अगर आता है तो आप जाइए, इंटरव्यू मारिए, अच्छी कंपनी है, ठीक है। नमस्कार।